अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर खड़ा हुआ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक हेडिंग आपके सामने लगी है और यह है मुस्लिम साइंटिस्ट ऑनलाइन क्विज कंपटीशन। ये कंपटीशन आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये कंपटीशन आप लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया मौका लेकर आया। आप सोच रहे होंगे कि ये कंपटीशन क्यों लिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है तो जहन में तो सवाल आना चाहिए क्यों लिया जा रहा है। तो ये जो कंपटीशन है, इसके लिए जाने का एक अहम मकसद ये है कि हम अपने माजी से, अपने शानदार माजी से, जो हमारा खूबसूरत माजी है, उससे तलबा को वाकिफ कराए, स्टूडेंट्स को उससे जो है अवेयर कराए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो साइंस की दुनिया में जो कुछ कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का रहा है, वो कंट्रीब्यूशन हमारे स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए। किस तरह से साइंसदानों ने अपना इल्मी सफर किया, अपनी जिंदगी में जो है जो हर तरह के उतार चढ़ाव के बाद उन्होंने जो है कई तरह की इल्मी खिदमत अंजाम दी, कई तरह के नए कंट्रीब्यूशन दिए, ऐसे कंट्रीब्यूशन दिए कि जो आज भी साइंस में कई ब्रांचेस, साइंस की कई ब्रांचेस में बुनियादें बनी। आप चाहे जाबिर बिन हय्यान का नाम लीजिए, इब्नुल हितम का नाम लीजिए, या राजी का नाम लीजिए, कई सारे उमर खय्याम का नाम लीजिए, तो ऐसे कई सारे साइंसदान है, बेशुमार साइंसदान है जिन्होंने बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन साइंस में किए हैं। साइंस में ही नहीं बल्कि दिगर उलूम में भी बड़े कंट्रीब्यूशन। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है साइंसी शऊर भी इख्तियार करें, साइंसी शऊर हासिल करें, और उसके साथ साथ जो है वो हमारे माजी से वाकिफ हो, वो जाने कि किस तरह इन साइंसदानों ने हमारे माजी में जो कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, किस तरह से दिया। तो ये एक अहम वजह है और ये आपको फैसला लेने में मदद करेगी। हम चाहते हैं कि अगर ये एक अजीम साइंटिस्ट हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। हमारे नजदीक आप मुस्तकबिल के साइंसदान, इसलिए हमने सोचा कि इस तरह का एक कॉम्पिटिशन आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जाए। ये कंपटीशन में होगा क्या, तो आप लोगों को जो है 15 साइंटिस्ट पर 15 दिनों तक रोजाना एक वीडियो शेयर की जाएगी। हर साइंटिस्ट पर एक वीडियो बनाई जाएगी, उसकी लाइफ पर, उसके कंट्रीब्यूशन पर, उसके इल्मी सफर पर, उसके इल्मी खिदमत पर, जो कुछ भी उसने काम किया है, तो जो आपके लिए फायदेमंद होगा, ऐसा कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ऐसे कंटेंट पर जो है रोजाना एक वीडियो 11 मई से 25 मई तक 15 वीडियो हम आपको शेयर करेंगे। और 30 मई को आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, 30 मई को आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम में जो है आपको 50 क्वेश्चन होंगे, 50 सवालात होंगे, और 50 सवालात के जो है 100 मार्क्स होंगे। 100 मार्क्स के लिए जो है आपका ये कंपटीशन होगा ऑनलाइन, एक घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ये जो कंपटीशन में जो सवालात होंगे, 50 के 50 सवाल जो होंगे, ये तमाम जो है उन 15 वीडियोस पर मुश्तमिल होगी। 15 वीडियोस के बाहर कोई सवाल आपको नहीं किया जाएगा, उन्हीं पर डिपेंड होंगे पूरे 15 सवाल। तो ये 11 मई से शुरू होगा, उससे पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीजें आपको करना है। जो आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी वो बेसिकली उर्दू में होगी, वो वीडियो जो होगी वो उर्दू में होगी, और उसको सबटाइटल करेंगे हम इंग्लिश के साथ। जो स्टूडेंट उर्दू नहीं जानते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वो भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उर्दू में जो है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो सबटाइटल के साथ चलेगी वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी उससे फायदा उठा सकते हैं। इस कंपटीशन में जो इनामात होंगे, जाहिर सी बात है कंपटीशन होता है तो इनाम भी होता है, तो इनामात जो होंगे, तो फर्स्ट प्राइज आपको जो होगा वो होगा 15,000 रुपये, सेकंड प्राइज होगा 10,000 रुपये, और थर्ड प्राइज होगा 5,000 रुपये। इसके अलावा 10 जो है आपको एजाजी इनामात होंगे, तो 1,000 रुपये पर मुश्तमिल होगी, और साथ में एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि इतने अहम इनामत, इतने बड़े इनामत आपको जो दिए जा रहे हैं, तो फिर इसका तरीका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करेंगे? तो बहुत आसान तरीका होगा इसके लिए। आपको जो फीस होगी इसके लिए कोई बड़ी फीस नहीं दी जाएगी, बल्कि सिर्फ 40 रुपये आपकी फीस होगी, सिर्फ 40 रुपये आपकी फीस होगी। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस वीडियो के नीचे जो एक लिंक दी गई है, आपने उसमें जो है उस लिंक पर जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, जितने पूछे जा रही है, और एक अहम बात का ख्याल रखना है कि जो एज लिमिट है यहाँ पर वो बिलो 16 ईयर है। जो लोग 1 जून 2025 से को जो है 16 साल के हो रहे हैं या 16 साल से कम रह रहे हैं, वो लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। 16 साल से कम उम्र के सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, ये एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपने इस बात का जो है ख्याल रखना है, और ये बहुत अहम मौका है आपके लिए कि आप इस तरह के कंटेंट को जो है स्टडी करें। और एक एग्जाम एक बहाना है,
यू समझ लीजिए, असल चीज यह है कि आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना है कि आप भी इस तरह के कंटेंट को समझकर, इस तरह के साइंटिस्ट को स्टडी करके आप भी मुस्तकबिल में फ्यूचर के साइंटिस्ट आप हो सकते हैं। आज से ही आप सोचना शुरू कर दिए, हम कर दीजिए कि हम भी साइंटिस्ट है, हम फ्यूचर के साइंटिस्ट है। मैं तो यही सोचकर आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप भी फ्यूचर के साइंटिस्ट है। और मेरा मैं आपको जो है अब मैं ये कह सकता हूँ कि क्या समझ गए हो साइंटिस्ट साहब, तो आप जो है अपने आप को साइंटिस्ट कंसिडर करें। इंशाल्लाह हम दुआ भी करें कि आने वाला जमाना आपकी तहकीकात और आपके जो है ईजादात और आपके कंट्रीब्यूशन से इंसानियत मालामाल हो जाए। यहाँ पर जो साइंटिस्ट आपको पेश किए जाएंगे साइंटिस्ट के बारे में, वो तमाम मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा में भी साइंस में कई लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, इंडिया में भी कई साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, उस पर हम सेकंड फेज में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही, सेकंड जब हम सेकंड टाइम क्विज कंपटीशन के लिए आए उस पर बात होगी। चलिए हम जो है इल्म की रोशनी को आम करते हैं और आज से ही ये सोचना शुरू करते हैं कि आप भी साइंटिस्ट हैं और एक नई टीम तैयार करने की यहाँ से शुरुआत करते हैं। थैंक यू, जजाकल्ला खैर।